महाप्रभु क्यों बोले हमें सन्यास लेनी चाहिए? कौन बोलेगा? क्योंकि जब
बता प्रभु ये विचार के कि मैं तो जगत माया से जीवों का मंगल करूँ, तो ये देख जब जो पढ़वा थे वो इस तरह उनके साथ व्यवहार के तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, तो इस चीज का विचार करते हुए वो विचार के कि अगर मैं संन्यास ग्रहण करूँगा और घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा तो लोग मुझे प्रणाम करेंगे और भगवान का प्रणाम करने से जी का ही कल्याण होगा। इसलिए भगवान को शास्त्र में कहता है सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन विभेद नहीं। जो एक बार भगवान को प्रणाम करता है उसको दो बार मैया के पेट में आने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान को प्रणाम करने से, इसलिए जम महाराज जमदूत को कह रहे हैं, क्या जमदूत को कह रहे हैं, बोले किसको किसको पकड़ करके मेरे पास में ले आओगे, बोले जिहा न भक्ति भगवत गुण नाम दयम चतस्न स्मरति जत चरणार बिंदम कृष्णाय न नमति जत सीर एकदापि बोले तान अनधम असत अकृत विष्णु कृत्या। बोले किस किस को लेकर के आओगे, बोले जिहा न भक्ति भगवत गुण नाम दयम, जो जिहा में भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान की गुणगान नहीं करते हैं। बोले चतस्न स्मरति जत चरणार बिंदम, जो लोग अपना हृदय में भगवान के चरण कमल को स्मरण नहीं करते हैं, कहते कृष्णाय नो नमति चत सीर कदापि, कहते जो एक बार भगवान के चरण में अपना सर को नहीं नमाया एक बार है, इसलिए भगवान का चरण में एक बार सर नमाने पर जब महाराज कह रहे हैं वो कभी जमपुरी नहीं जाएगा, वो कभी जमपुरी नहीं जाएगा। बोले तान अनधम उन अधमों को पकड़ पकड़ कर मेरे पास में ले आना। कहते विष्णु कृत्या, बोले विष्णु कृत्या मतलब होता है जो व्यक्ति सदगुरु से विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं हुए उनको पकड़ कर लिया। जो व्यक्ति सदगुरु से एक बार भी दीक्षा मंत्र को प्राप्त किया है कहते हैं वो कभी जमपुरी कभी नहीं जाएंगे। हाँ ध्यान देकर सुनो, एक कहानी सुनो, कल सबको मैं पूछूंगा जो सुन रहे, इसलिए एक कहानी सुनो। बोले एक समय एक व्यक्ति प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा मंत्र ग्रहण किया था, लेकिन हरिनाम दीक्षा मंत्र तो ग्रहण किया लेकिन जब उसने किसी स्त्री की चक्कर में पड़ गया, वो ब्रह्मचारी था, किस स्त्री की चक्कर में पड़ गया, जब उसने स्त्री की चक्कर में पड़ गया उसने शादी कर लिया, लेकिन जो शादी किया ना क्या किया भैया, इसलिए जब उसने शादी किया लेकिन उसका जो पत्नी थी ना बड़े फैशनदार थे, वो भक्ति भक्ति करने वाले नहीं, लेकिन ये तो उसका रूप में लूट गया हैं, अभी फंस गया तो अभी जब शादी हुई ना वो सब मांस मछली अंडा वो बंगाल में ना सब खाने वाले, अभी तो प्रेम से है नया भी प्रेम है, पहले चंद लग रहा है चंद्रमुखी जैसे लेकिन बाद में ज्वालामुखी पर तो सूर्यमुखी लगती है, हैं? इसलिए अभी उसने धीरे 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 ना अपना पति को कैप्चर करने लग गया, पहले तो कोशिश किया इसने सदाचार को पालना करने के लिए, लेकिन रह रहे हैं एक जगह पर, अभी धीरे 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 पत्नी का प्रेम में चक्कर में पड़ करके ना पत्नी बोली मैं दो बार नहीं बना सकती हूँ, आपके लिए मैं निरामिष बनाऊंगा, मेरे लिए आपसे बनाऊंगा, खाना तो यही खाना पड़ेगा, अभी स्त्री का बात शादी के बाद में पर पुरुष का बात नहीं चलता है, किसकी बात चलती है, बीबी की बात चलती है, हैं? अभी धीरे 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 उसने तो उसकी चक्कर में पड़कर मांस मछली सब खाना शुरू कर दिया, जब सब शुरू कर दिया उस जो दीक्षा मंत्र लिया था ना धीरे 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 वो दीक्षा मंत्र भी छूट गया, हरिनाम में छूट गया। देखो हम लोग जो भजन थोड़ी बहुत कर रहे हैं ना केवल ये संघ की प्रभाव से भक्ति कर रहे हैं, ये संघ छोड़ करके चले जाओ घर चले जाओ देखना एक दिन दो दिन चार दिन तो चलेगा, उसके बाद में फिर चलेगी नहीं, वो माला कहीं रह जाएगी, तिलक कहीं रह जाएगी, भजन भजन कहीं रह जाएगी, इतना आसानी नहीं भक्ति करना है। इसलिए चुके हम इसलिए यहाँ पर मंगलारती में आते हैं, हमें नहीं जाने पर बोलेंगे अरे मंगलारती में तुम्हें नहीं आया, डर से आते हैं, स्वाभाविक रूप में नहीं आते, स्वाभाविक होता सोता रहेगा, स्वाभाविक रूप में वो सोते रहेगा, भजन में नहीं आएगा, मंगलारती में नहीं आएगा, कीर्तन हरि कथा में बैठेगा नहीं है, इसलिए
यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं हम डर से भक्ति कर रहे हैं, वैधि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब संघ से थोड़ी से अलग होकर देख लो कितना माला, कितने भजन, कितना तिलक लगाते हैं, सारे धीरे धीरे सब छूटने शुरू हो जाएगी। उसने तो धीरे 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 से सब छोड़ दिया, लेकिन जब छोड़ जाए तो घोर विषय बन गया। जब विषय बन गया इतने में उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु ही ना और उसको पकड़ करके ले गए जमपुरी। जब जमपुरी ले गए दूर से जब महाराज देख करके उन्हें तो चिल्ला उठे हैं, चिल्लाने लग गए, बोले किसको लेकर आए हो, तुमको पता है ये किसका शिष्य? कहते ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का शिष्य है, हम इसको दंड नहीं दे सकते, जाओ उसको वापस दे, उसको वापस दे करके आओ। लेकिन इधर तो मरते जगत उसका शरीर छूट गया, छूट गया तभी उन्होंने परिवार को बुलाया है, उनको संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। लेकिन जब सब लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे ना, हठात उसने एकदम खड़े होकर हठात बैठ गया है, मरा हुआ व्यक्ति बैठ गया और बैठ करके बोलता है मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है। सब लोग तो आश्चर्य हो गए, मरे हुए व्यक्ति जिंदा कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे उसको पत्नी ने कहा, हाँ पहले ये भजन भक्ति करता था लेकिन मेरे चक्कर में पड़ करके इसने सारे भजन सब छोड़ छाड़ दिया है, हाँ इससे सबके सब मेरी दोष है, ये सब मेरी दोष है। फिर उन्होंने भक्ति देता माधव गोस्वामी महाराज को, हाँ फिर उन्होंने स्वप्न दिया उसको, फिर दो बार उसको संस्कार करवाओ क्योंकि सब भजन उसने सब चौपट हो गया था। फिर दो बार उसने गया जा करके, फिर मरने वाला था ना, अभी तो वृद्ध हो गया है, वृद्ध हो गया, जितना समय बच्चा कुचा समय था पश्चाताप करते हुए उन्होंने भगवान के भजन भक्ति किया, फिर तो उनको कल्याण हुआ है। इसलिए यहाँ पर जब महाराज कहते विष्णु कृत्या, जिसने जीवन में भगवान विष्णु के लिए कोई कर्म नहीं किया है, पर जीवन में दीक्षा मंत्र विष्णु मंत्र में जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए हैं, बोले तान आने अधम, कहते उन अधम को पकड़ कर मेरे पास में ले आना। इसलिए महाप्रभु क्या सोच रहे हैं, इसलिए जो एक बार के बल में संन्यास लेकर के जब जाऊंगा घरे घरे में, कहते शत्रु भी मित्र बन जाएगी, शत्रु मित्र बन जाएगी। यहाँ पर कह रहे हैं वृंदावन में ऐसे कृष्ण चंद्र सिंह है, कोई एक व्यक्ति था कृष्ण चंद्र सिंह, वो व्यक्ति बड़ा कंजूसी, बड़ी कृपण था और सबको साथ में लड़ाई झगड़ा था, सब केस मामला मकदमा में एकदम वो फंसा हुआ था है। लेकिन उसने सब लोग उसको विरोध दे पूरा, लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसे सन्यासी ग्रहण किया और उनने घर घर में भिक्षा मांगी, फिर धीरे 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 सबके सब उसको मित्र हो गए सबके सब। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं मैं जब सन्यास लेकर के दरवाजा पर जाऊंगा, लोग जब मेरे को सन्यासी मान करके प्रणाम करेंगे उनकी कल्याण होगा। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को बोले, नित्यानंद प्रभु तो दुखी हुए हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या बोले, बोले प्रभु आप तो सर्वेश्वर हो, स्वतंत्र ईश्वर है, आपको कौन रोक सकता है, दुनिया का सब कारण का कारण हो। तो सबसे पहले उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से आदेश ग्रहण किया है। फिर नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं, कहते मैंने तो आदेश दे दिया, अभी सच्ची माँ अभी क्या करेगी, क्यों घर में पिता नहीं, बेटा चला गया सन्यासी बन करके, पिता है ही नहीं, घर में एक बहू है और पहले स्त्रियां कोई घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब इनकी क्या स्थिति होगी। उनको विषय में सोच सोच करके नित्यानंद प्रभु बड़े दुखी हो रहे थे, रो रहे थे नित्यानंद प्रभु। फिर उन्होंने श्री मुकुंद को पास में गए, हाँ कहते संजय मुकुंद बासु घोष आदि गाय, मुकुंद ये कीर्तनिया है, इसलिए गाओ कृष्ण गाओ कि जो कृष्ण रे मंगल मुकुंद गाय न प्रभु सुनिया। इसलिए जो मुकुंद ने बड़े सुंदर सुस्वर से गाए, महाप्रभु सुन करके एकदम मुग्ध हो गए। फिर महाप्रभु मुकुंद से भी संन्यास लेने का उन्होंने बात बताया, मुकुंद भी सुन करके महाप्रभु हैं जिस समय संन्यास ग्रहण करके, महाप्रभु का कितने सुंदर केस है, बड़ा सुंदर केस है, ये केस को जब महाप्रभु मुंडन करेंगे संन्यास लेंगे एक बल चोटी रहेगा है, इसलिए इसको स्मरण करते हुए मुकुंद तो रोने लग गए है। इतने में मुकुंद ने कहा प्रभु अगर आप संन्यास ग्रहण करोगे तो अभी कम से कम जितना दिन है, हम चाहते हैं हम जितने कीर्तन करते थे
और थोड़ी सी हम ज्यादा कीर्तन करते हैं दिन रात हम, क्योंकि महाप्रभु जब संन्यास ले जाओगे फिर हम किसको लेकर कीर्तन करेंगे, इसलिए और कुछ दिन अच्छे तरह से कीर्तन करें। लेकिन जब उन्होंने श्री गदाधर पंडित को बोले, गदाधर पंडित को तो रहा नहीं गया। गदाधर पंडित, गदाधर कौन है कृष्ण लीला में, कहते श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी है, इसलिए राधा रानी, इसलिए राधा रानी ये क्या चाहती, इनका नाम राधा है, राधा मतलब क्या, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती है, है? कृष्ण को जो आराधना करती है, कृष्ण सेवा करती है, कृष्ण की सेवा में विग्रह श्रीमती राधा रानी है। इसे राधा रानी कैसे सहन कर सकती है, महाप्रभु सर मुड़ा करके चोटी रखेंगे, इसलिए देखना हमारे गौड़ीय मठ में महाप्रभु का कोई संन्यास वेश नहीं है, संन्यास वेश का पूजा नहीं होता। देखो महाप्रभु को देखो, एकदम सुंदर पगड़ी बनाए, केस बड़े सुंदर कपड़े है, इसलिए हमारे किसी गौड़ीय मठ में नहीं देखोगे महाप्रभु का संन्यास वेश, कभी भी नहीं देखोगे, इसलिए महाप्रभु बोले कपट सन्यासी। इसलिए एक भक्त कह दी कपट सन्यासी है, थोड़ी सन्यासी है, इसलिए कोई कोई भक्त तो उलाह ना देते, बोले ये लाल कपड़ा क्यों पहने, और कोई कपड़ा मिला ही नहीं, हाँ बोले सन्यासी तो ऊपर से ले लिया, लेकिन जो कुछ होने पर भी गोपियों को भूल नहीं सकते, उनका बख्य स्थल का जो कुमकुम का रंग से रंगा हुआ कपड़ा है, ऊपर से तो ले लिया सन्यासी, लेकिन किसके किसको स्मरण कर रहे, और राधा रानी गोपी को स्मरण करते, ये कपट सन्यासी, थोड़ी सी सन्यासी है, इसलिए इसलिए श्री गदाधर पंडित जब उन्होंने सन्यास का नाम सुने, एकदम गदाधर पंडित भड़क गए, बोले क्या घर में भजन नहीं हो सकता है, बोले क्या घर में भजन नहीं हो सकता है, क्या तुम्हारी पत्नी प्रतिकूल है, कितने अच्छी पत्नी तुम्हारी, जब तुम स्नान करने जाते हो, स्नान करने से आने से पहले सारे घर को लिपा पोछा करके सारे सेवा के लिए सब कुछ है, सारे फूल पुष्प चंदन गंधा अगुर कर्पूर, अब महाप्रभु सालग्राम की पूजा करते थे, आने से पहले सब कुछ व्यवस्था कर देती हैं, हैं? पहले पता है, पहले घर से उठकर क्या करते, घर को धो धा करके साफ सुथरा झाड़ू फाड़ू देकर एकदम पूरा, और जब आप पूजा करते हो, पूजा करने के बाद फिर बड़े सुंदर सुंदर रसोई है, गरम गरम अन्न दाल चावल सब्जी पनीर का सब्जी है सुत्ता, और बड़े सुंदर भाजी सब कुछ विष्णु प्रिया सब कुछ तैयार कर देती है। महाप्रभु क्या करते हैं, ठाकुर को भोग पूजा हो गया बस भोग लगा दिया, फिर प्रसाद को फिर ऐसे नहीं, पहले स्त्रियां क्या करती थी, पति जब सोती थी, पति जब सोते थे स्त्रियां अपना पति का प्यार दबाया करती थी, पत्नियां पति की प्यार दबाया करती थी, उनकी सेवा करती थी, कहते इतने कहते इतने ये सेवा करने वाले इसलिए इतने ये सेवा करने वाले कौन है, श्री विष्णु प्रिया, इतने सेवा करने वाली, इसलिए क्या घर में रह करके भजन नहीं कर सकते, इसलिए कहते घर में रह करके भजन नहीं कर सकते, घर में रह करके भजन करो ना, फिर क्या जरूरत है साधु संन्यासी बनने का, साधु संन्यासी बनने का क्या जरूरत है, इसलिए तो यहाँ पर एक शब्द आता है, सिखा सूत्र छाड़िया चली वे जेते भीतर, अभी भक्तों को क्या डर लगा, ये सिखा सूत्र को छोड़ करके ये संन्यास ग्रहण करेंगे, इसलिए कहते कर्म सन्यासी और एक ज्ञानी सन्यासी है, हैं? और एक भक्त सन्यासी है, इसलिए जो मायावादी लोग भगवान को जो निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म है, जो जिनको ब्रह्म स्वरूप में जो कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको ये सिखा नहीं रहता, और जो हम लोग जो जनेऊ पहनते हैं वो जनेऊ नहीं, सिखा सूत्र ये सब के सब त्याग दे करके सबको त्याग देते, यहाँ तक भगवान को त्याग दे देते है, यहाँ तक भी भगवान को त्याग देते हैं, लेकिन जो भक्त सन्यासी है जैसे हम लोग का सन्यासी है नहीं, हम लोग सूत्र धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, गला में तुलसी कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, है? हम लोग सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम भक्त सन्यासी है, कहते ये लोग किस चीज को त्याग नहीं देते हैं, हर चीज को भगवान की सेवा के लिए हर चीज को ये ग्रहण करते हैं, इसलिए हम जो जनेऊ धारण करते हैं उसमें नौ धागा रहता है, क्यों, कहते नवविद्या भक्ति की, ये नवविद्या भक्ति की क्या है, ये नवविद्या भक्ति की प्रतीक है, वो लोग सिखा नहीं रखते, चोटी नहीं रखते, लेकिन हम लोग चोटी रखते हैं, क्यों,
जब तक चोटी नहीं होगा ना है, इसलिए कैसे धरिया क्या भज रहे ना, कैसे धरी मोरे कर भार। इसलिए गुरु वैष्णव क्या कहते हैं, हम चोटी में गांठ क्यों लगा, चोटी क्यों रखते हैं, कहते हैं यहीं पर ब्रह्म विद्या धारण करने का स्थान है, यहाँ पर ये ब्रह्म विद्या को धारण करने का स्थान यहाँ पर है। इसलिए 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 चोटी धारण करने पर अब देखना, जैसे हम धूप में जाते हैं ना, अक्सर करके छतरी का रंग क्या होता है, काला होता है। बोले काला क्यों होता है, बोले कारण है उसको ऊपर में सूर्य का किरण पड़ने पर उसको ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करता, इसलिए काला। इसलिए भगवान ने हमारे सारे बाल को काला ही बनाया, दूसरा रंग नहीं बनाया। क्यों कहते, सर में सारे ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाले दिमाग होता है बुद्धि को, इसको ऊपर में सूर्य का किरण पड़ने पर सर को ऊपर में कोई अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए इसलिए हम यहाँ पर चोटी धारण करते हैं, ये ब्रह्म विद्या धारण करने का स्थान है। इसको चोटी धारण करने पर बाल काला रंग का होता है, वहां पर सूर्य का जो प्रभाव वहां पर नहीं पड़ता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान धारण करने का। और जो शिखा को जो गांठ बांध कर रखते हैं, इसलिए ये शिखा कभी खोला नहीं रहनी चाहिए, खोला रहेगा तो फिर सारे ब्रह्म ज्ञान निकल जाएगी, तो ब्रह्म ज्ञान निकल जाएगा। इसलिए ये गांठ बांधने पर ये ब्रह्म ज्ञान को ये धारण करता है। इसलिए हम लोग इसको चोटी को बांध करके और चोटी धारण करते हैं। देखो हम एक सही घटना सुनाता हूँ, हमारे जो वहां पर जीत प्रभु है ना, कहाँ पर, ऋषि प्रभु है ना, नोएडा में जीत प्रभु का जो भाई है, कहते ये इसने जब शादी किया उसके घर में पत्नी आई, लेकिन वो थोड़ी सी धनी घर के, पर धनी घर के। इसलिए अगर कोई धनी घर में कोई लड़की शादी करके आए जिनको भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, अगर देखे पति चोटी रखा, उसको तो बड़ा अजीब से लगा, बोले क्योंकि बाबा बन गए। साधारण लोग क्या बोलेंगे, चोटी रखे तिलक लगाए मतलब क्या बाबा जी बन गया तू, और उनको बड़ा अपमान लगता है क्योंकि लिखे पड़े। लेकिन पहले हर व्यक्ति चोटी रखते थे, तिलक गला में कंठी लगाया करते थे, लेकिन अभी तो दुनिया कलयुग आ गया ना है, इसलिए भले उल्टा पुलटा सारी चीज वो धारण कर लेंगे। छोटी स्त्रियां खोल करके एकदम हीरो बनकर घूम रही हैं, जितने उल्टा पुलटा काम कर रही हैं, लेकिन उनके लिए नहीं, सब अभी गड़बड़ी हो गया सबके सब है। इसलिए अभी उसको देख करके तो उसको बड़ा बेकार लगा, उसको है बड़ा बेकार लगा। ऐसे ऐसे अभी उसको पति को उसने बोला, इस छोटी बूटी काट दो, बोले नहीं गुरु जी बोले छोटी रखने के लिए है, गुरु जी बोले छोटी रखने के लिए नहीं काटूंगा। अभी उसने सोच 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 करके कि बाबा को साथ में और एक बाबा जी को साथ में हमारे शादी होगी, हमारे घर से आते दिखते क्या एक साधु को साथ, मतलब इतना अपमान साधारण जगत में, उसमें तो करते करते इतने बीमारी में पड़ी, इतने बीमारी में पड़ी गई, हॉस्पिटल चली गई। जब हॉस्पिटल चली गई उसको डॉक्टर ने देखा सब ठीक ठाक है, अभी उनको पूछे भैया तुम्हारी बीमारी सही कारण क्या है, बोले इसलिए मेरी बीमारी सही नहीं हो रही, इन्होंने चोटी रखी, ये चोटी को बात चिंता करते 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 मेरी बीमारी पड़ गई, अगर ये चोटी काट देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। अभी उसने कहा ठीक है, उन्होंने चोटी कटवा दिया। जब चोटी कटवा दिया कुछ इतनी बात में वो ऋषि बीमारी में पड़ा, उसका पति बीमारी पड़ा, और ऐसे बीमारी में पड़ गया, वो भी हॉस्पिटल चला गया। जब हॉस्पिटल चला गया अभी उसको भी बीमारी सही नहीं हो रहा है, उसने देखा एकदम पाताल एकदम फट गई, और वो पाताल में धीरे 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 नीचे नीचे धसते जा रहा है, वो धसते जा रहा है पाताल के अंदर में। इतने में उसने चित्कार कर रहा है, गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ, इतने में गुरुजी प्रकट हो गए, हमारे महाराज जी प्रकट हो गए। तब गुरुजी कहते बेटा तेरे को तो बचाव का क्या, पकड़ करके उठाऊंगा तो नीचे धसते ही जाते, तो चोटी तो है ही नहीं तेरी है, ऐसे हाथ पकड़ रहे थे लेकिन उसमें चोटी नहीं आ रहा था, चोटी बोले बेटा मैं निकालू कैसे, अभी तो कुछ है ही नहीं, तेरे पकड़ करके मैं निकालो। उसने रात में उसने ये चीज को स्वप्न देखा, गुरु जी ने कहा बेटा चोटी रहा था तभी तो पकड़ करके मैं उठाता तेरे को, चोटी तो है ही नहीं। अभी उसका नींद खुली, जब उसने नींद खोली उसने उसने क्या किया, फिर उन्होंने जा करके पत्नी को बताया, बोले देखो तू घर में रहा नहीं तो तुझे घर से जा, लेकिन मैं चोटी रखूंगा, ऐसे मैंने स्वप्न देखा, गुरु जी स्वप्न में आए, मैं नीचे धसते हुए जा रहा था, गुरु जी कह रहे चोटी नहीं तो कैसे मैं तेरे उधार को, तभी से उन्होंने चोटी रख दिया। इसलिए कैसे धरे, सैलून में गए बोले यहाँ पर चोटी रख लेना, बोले तू कब कब कितना बार कटवाया, कितना बार रखवा, बोला अभी नहीं कटवाऊंगा अभी कटवाऊंगा।
हाँ गर्दन कट जाएगा छोटी नहीं काटूंगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो मायावादी लोग हैं शिक्षा सूत्र को त्याग देते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं ये शिक्षा सूत्र को त्याग नहीं देते हैं, ये भक्ति की अंग है, ये हमारी सनातन धर्म का ये परंपरा है। चोटी तिलक घंटी माला ये सब धारण करना सनातन धर्म की ये हमारी पद्धति है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शिक्षा सूत्र छाड़ी वो चली वो जेते भीते, इसलिए भक्त लोग इसलिए डर रहे हैं महाप्रभु शिक्षा सूत्र उस समय था इसको छोड़ करके अभी संन्यास लेकर महाप्रभु भी चले जाएंगे, लेकिन महाप्रभु कर्मी संन्यास नहीं ज्ञानी संन्यास नहीं महाप्रभु भक्त सन्यासी। हम लोग भक्त सन्यासी जो कुछ करते हैं भगवान की प्रति के उद्देश्य में हम लोग करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।